दिस इज चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड की डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड किसे बोलते हैं? तो बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स, दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड है अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, और मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? एटम्स के बीच का अट्रैक्शन या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच का? तो जनरली एटम्स के बीच का ही अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स में कुछ स्पेशल केसेस में अपन ये चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है। तो अट्रैक्शन फोर्स किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, ये कहलाता है केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड है इसके अगर अपन टाइप्स देखें तो एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी में एक अलग स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह देते हैं। तो ये सबसे पहला टॉपिक अपन ने सीखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अट्रैक्शन फोर्स होता है दो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये किस किस टाइप का होता है? आयनिक बॉन्ड होता है एक टाइप, इसका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी इसका एक टाइप है। अब अपन सेकेंड टॉपिक की तरफ चलेंगे चैप्टर के। तो ये फर्स्ट टॉपिक अपन ने सीखा। अब सेकेंड टॉपिक अपन ये सीखेंगे कि लुईस कॉसेल थ्योरी क्या थी बॉन्ड से रिलेटेड। कॉसेल लुईस थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, तो हर एटम चाहता है कि उसका वैलेंस शेल पूरा हो जाए, लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड करना हर एटम चाहता है, बस एक्सेप्शन है हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ही वो स्टेबल हो जाता है। तो बाकी सबको ऑक्टेट करना होता है, और हीलियम में एक्सेप्शन केस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं उसमें और वो स्टेबल है। तो ये लुईस कॉसेल थ्योरी है कि हर एटम चाहता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए, तब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट करिए सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसमें अगर अपने से पूछे कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वैलेंस ऑर्बिट पूछे तो एम के एल एम, और लास्ट ऑर्बिट में ये चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए पूरे, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? 2 8, और ये आयन बन गया। तो लास्ट शेल में 8 अटेंड करना, 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड करना, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेट।
आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो हर एटम चाहता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए उसका, लास्ट में एट इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस थ्योरी को बोलते हैं लुईस कॉसेल थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। क्या पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जो एवरी एटम वॉन्ट्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम्स स्टेबल। इट वॉन्ट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अटेंड्स नोबल गैस कंफिग्रेशन। तो हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, फुलफिल्ड हो जाए, लास्ट एटम लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये हर एटम चाहता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं लुईस कॉसेल थ्योरी। तो हर एटम एट इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। तो इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, लुईस कॉसेल थ्योरी। इसी में लुईस नाम के साइंटिस्ट ने कुछ सिंबल्स भी बताए थे, उनको अपन सीखेंगे कैसे कैसे सिंबल्स बताए थे। तो ऑक्टेट का मतलब अगर अपन से अलग से पूछ ले, ऑक्टेट का मतलब, तो ऑक्टेट का मतलब हो गया अटैनिंग एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, एक्सेप्शन हीलियम है, हीलियम में ड्यूप्लेट होता है। ड्यूप्लेट का मतलब अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो हीलियम जो होता है ना, उसमें आउटर मोस्ट शेल एक ही होता है और एक शेल में उसके दो इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी एटम में एक ही शेल हो जैसे के शेल और उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा और बाकी शेल नहीं होने चाहिए। बस एक ही शेल हो और दो इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो गए, बाकी और है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे ड्यूप्लेट हो गया और उसे भी स्टेबल बोलते हैं। तो हर एटम या तो ऑक्टेट करना चाहता है या कुछ केस में जिसके पास एक ही शेल है वो ड्यूप्लेट अटेंड करना चाहता है। तो इस थ्योरी को बोलते हैं लुईस कॉसेल थ्योरी। और फिर लुईस नाम के साइंटिस्ट ने इसी में अपन ये सीखेंगे कि कुछ सिंबल्स भी बताएं, तो उन्हें बोलते हैं लुईस सिंबल्स, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको ऐसा करते हैं अपन, दो टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक मान लेते हैं। तो चैप्टर का तीसरा टॉपिक हो गया लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस ने जो डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो तो क्या होते हैं उसको अपन सीखेंगे। तो लुईस सिंबल्स या लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए अपने पास सोडियम है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और ये लास्ट शेल जो है ना, इसे बोलते हैं वैलेंस शेल, लास्ट वाला के एल एम, ये एम है वैलेंस शेल। इस लास्ट वाले को बोलते हैं क्या, वैलेंस शेल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना, इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ऐसे एक डॉट लगा देंगे। ये है सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए अपने को मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो दो डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए अपने पास ऑक्सीजन है, एट उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका लुईस डॉट बनाना हो तो लास्ट में छह इलेक्ट्रॉन है तो छह डॉट बना दो। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए अपने पास है कार्बन,
इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो 4 डॉट बना दो। ऐसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, रिप्रेजेंटिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ डॉट या क्रॉस के रूप में भी लगा सकते हैं, डॉट और क्रॉस इज कॉल्ड लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ये तो लुईस स्ट्रक्चर्स हो गए, लुईस डॉट बना लिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसी के बाद चौथा टॉपिक अगर अपन ये देखें, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, तो चैप्टर का चौथा टॉपिक है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल टू बिकम स्टेबल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एवरी एटम वॉन्ट्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वापिस रिपीट करता हूं मैं, एवरी एटम वॉन्ट्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट बिकम स्टेबल, वो स्टेबल हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो टू अचीव ऑक्टेट अचीव करने के लिए एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, लूज भी कर सकता है, गेन इलेक्ट्रॉन, किसी से ले भी सकता है, शेयर इलेक्ट्रॉन, किसी से शेयर भी कर सकता है। तो लूज गेन या शेयर करेगा मतलब बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ ताकि वो अपना लास्ट शेल पूरा कर सके। तो इस रूल को क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये चैप्टर का चौथा टॉपिक है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना। तो एक बार इसको अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड था, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दो एटम या मॉलिक्यूल, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, ये 3 तरह के बॉन्ड है। कॉसल लुईस थ्योरी क्या है, हर एटम चाहता है कि उसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड करना चाहता है, ये लुईस थ्योरी है, ठीक है ना। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आना इसे ऑक्टेट कहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आना इसे डुप्लेट बोलते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस के रूप में लगाना इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर ऑक्टेट रूल, हर एटम चाहता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और स्टेबल हो जाए, तो इस रूल को अपन क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल। और ये ऑक्टेट कैसे पूरा करता है, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। लूज और गेन करने को तो अपन बोलते हैं जब लूज करे या गेन करे तो ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा कर सकता है या शेयर, शेयर जब करता है तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। चलिए अब चैप्टर का अपन फिफ्थ टॉपिक देखेंगे, इसमें अपन सीखेंगे आयनिक बॉन्ड। दो एटम्स क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, इसका 287 होता है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 डॉट बना देंगे या 7 क्रॉस भी बना सकते हैं।
अब सोडियम और क्लोरीन जब पास में आएंगे तो क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो एन ए प्लस बन जाएगा, और क्लोरीन ले लेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, उसके पास ऑलरेडी सेवन थे और उसने एक ले लिया, तो ये हो जाएगा सी एल माइनस। लेकिन देने और लेने से हुआ क्या, ये भी 2 8 हो गया और ये भी 2 8 8 हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, या तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन एटम्स बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट चार्ज आयन, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट चार्ज आयन्स। दो अलग अलग आयन्स हैं, अलग अलग चार्ज वाले आयन, उनके बीच का अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उनके बीच में ये वाला बॉन्ड बनता है। तो ये है आयनिक बॉन्ड, दो डिफरेंट चार्ज आयन के बीच का अट्रैक्शन। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि अपन ने अभी एनएसीएल का देखा, ऐसे अपन केसीएल का एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे इनके, लुईस स्ट्रक्चर। तो के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2 8 8 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके लास्ट में, और सीएल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2 8 7 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के को एक लूज करना है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, और सीएल को एक लेना है, तो के इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने पे के तो पॉजिटिव बन जाएगा और सीएल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सीएल के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, सीएल के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल उसके पास कितने हो गए, उसके पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ने ऑक्टेट अचीव कर लिया, ये हो जाएगा 2 8 8 और ये भी हो जाएगा 2 8 8। तो कुल मिला के अपने पास क्या फाइनली रिजल्ट मिला, दिस इज के सी एल। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। सपोज करिए अपन को एग्जांपल लिखना है एम जी ओ का, तो एम जी ओ मतलब एक एम जी और एक ओ। एम जी का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 2 8 2 और ओ का होता है 2 6, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इसलिए 282 लिख दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 26 लिख दिया। इसके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम अगर दो किसी को दे दे तो वो 2 8 हो जाएगा स्टेबल, और ऑक्सीजन कहीं से दो मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो जब दोनों को पास में लाएंगे तो एमजी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये एमजी +2 हो जाएगा। और ओ जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एमजी के, तो कुल मिला के ये हो गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ओ -2, तो एमजी भी स्टेबल हो गया 2 8 और ओ भी स्टेबल हो गया, और ये फाइनली क्या बन गया, एमजी ओ, एक एमजी एक ओ से जुड़ गया। तो ये हो गया अपना क्या, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा, जिन भी सब्सटेंस में आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ये जो भी कंपाउंड बनाए ये आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनकी अगर अपन प्रॉपर्टी लिखें तो अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं। इसमें पांचवा टॉपिक आयनिक बॉन्ड देखा था, और छठा टॉपिक देख लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपन समझेंगे। तो आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई, ये जैसे NaCl एक मन में एग्जाम्पल याद रख के इसकी सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना,
इसकी प्रॉपर्टी याद करके, मतलब इसको देख के सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो इसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स प्लस और माइनस के बीच में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये पानी में घुल जाते हैं, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर। और पानी में घुलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, पहले नहीं करते, ठीक है ना, घुलने के बाद ही करते हैं। घुलने के बाद आयन्स फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म या मोल्टन फॉर्म। एज इन दिस फॉर्म आयन्स आर फ्री टू मूव, आयन्स आर फ्री टू मूव, आयन मूवमेंट के लिए फ्री है। अब मूवमेंट के लिए फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हार्ड होते हैं, कारण वही है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है प्लस और माइनस के बीच में, इसलिए क्या होंगे, हार्ड होंगे। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में, घुल जाएंगे ना जब तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयन्स फ्री नहीं होते मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, ये हार्ड होते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया पहला बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं क्या पढ़े। केमिकल बॉन्ड अट्रैक्शन होता है दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये अलग अलग तरह के बॉन्ड है। लुईस कॉसल ने थ्योरी दी कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और हर एटम चाहता है कि लास्ट शेल पूरा हो जाए, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ये लुईस कॉसल की थ्योरी है कि भाई हर एटम ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अब लुईस के डॉट स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस के रूप में लगाना। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था, एक डॉट लगा दिया। मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन थे, दो डॉट लगा दिए। ऑक्सीजन में छह इलेक्ट्रॉन थे, छह डॉट लगा दिए। कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन थे, चार डॉट लगा दिए। ऑक्टेट रूल, लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन अटेन करना, अचीव करना, ऑक्टेट रूल कहलाता है। और ये अचीव करने के लिए क्या करता है एटम, या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, या गेन करता है, या शेयर करता है। फिर पढ़े आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसका एक और नाम है। ये क्या है, दो आयन्स के बीच का अट्रैक्शन, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच का अट्रैक्शन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा और अट्रैक्शन हो जाएगा। फिर इसके अपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, केसीएल का स्ट्रक्चर बनाया, एमजीओ का स्ट्रक्चर बनाया, है ना। सबसे पहले मतलब आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान होनी चाहिए, सबका एटॉमिक नंबर, सारे एलिमेंट्स का जो चैप्टर थर्ड में आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, तो अगर वो ध्यान होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर लेंगे। जैसे पोटेशियम का 19 होता है, ये याद है तो तभी कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन का 17 है, तभी आप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए, 30 तक एटॉमिक नंबर सबके। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कारण स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है ना। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्यान रखना वाटर कैसे सॉल्वेंट है, पोलर। पोलर का मतलब ये H2O जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इसमें H के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और O के पास स्लाइटली नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं पोलर, प्लस और माइनस है। और NaCl में भी प्लस और माइनस है, तो क्या होगा, Na का प्लस O ये पानी के माइनस से अट्रैक्ट होगा, और Cl जो है माइनस वो पानी के H से अट्रैक्ट होगा, तो इसके दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन किस फॉर्म में, घुलने के बाद, घुलने के बाद आयन्स फ्री हो जाते हैं मोशन के लिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये हार्ड होते हैं। तो ये एक तरह का अपन ने बॉन्ड पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड। अब टॉपिक नंबर 7th में अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, तो अभी तक तो देखा था एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक, अब देखेंगे अपन दो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड, वो होता है कोवेलेंट। इसमें शेयरिंग करते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं पा रहा है तो शेयर करेगा स्टेबल होने के लिए, तो इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल है H2, दो H होते हैं, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ना तो ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
दे देगा तो इसके पास क्या रहेगा ना, ये वाला एच अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा दो पूरे करने के लिए। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाएगी तब क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है, ठीक है ना। ये कैसे होगी शेयरिंग वो देखेंगे अब अपन। ये एच, ये उस एच से इलेक्ट्रॉन शेयर करने को तैयार है। देखिए ये म्यूचुअल शेयरिंग डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में शेयरिंग। ये जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन बना दिए अपन ने, एक इसमें एक हाइड्रोजन का है, दूसरा दूसरा हाइड्रोजन का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में कॉमन हो गए हैं। तो एक एच के साथ भी अपन कहेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बोलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बोलेंगे तो वो भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो पार्टनरशिप हो गई है। इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में कॉमन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में कॉमन हो जाए तो इसे बोलते हैं शेयरिंग, और कॉमन होके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहे या डुप्लेट पूरा करना चाहे तो इसे बोलते हैं, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होगी तो इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन अपन इसकी क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में आपस में शेयरिंग हो जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो ये बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड भी अलग अलग तरह का होता है, तो इसमें अलग अलग टाइप्स विद एग्जाम्पल देखेंगे। तो सातवां टॉपिक अपन ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बनता किसके बीच में, इट इज फॉर्म बिटवीन, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, नॉन मेटल देते थोड़ी ना, अब देंगे नहीं तो फिर बॉन्ड बनेगा भी नहीं। तो दो नॉन मेटल है वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो फिर आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो वो शेयरिंग है, दोनों एक दूसरे को देना ही नहीं चाहते, नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक ही नहीं है देने की, फिर बॉन्ड क्या बनता है शेयरिंग करके, ठीक है। अब अपन देखेंगे आखिरी कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो एट्थ टॉपिक में देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक टाइप तो अपन पढ़ेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक पढ़ेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक पढ़ेंगे अपन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो तीन तरह के यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एट्थ टॉपिक का पहला पार्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके स्ट्रक्चर्स जो अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एटम्स के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो तो उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि अभी अपन ने देखा था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यही कैटेगरी का है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर का दोनों में शेयरिंग हो गया, इस कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका वो एग्जांपल देखेंगे।
जैसे हाइड्रोजन, तो ये एक एच है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एच है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब होगा क्या, किस तरह से शेयरिंग होगी, वो इस तरह से होगी, दोनों के बीच में म्यूचुअल अपन शेयरिंग करा रहे हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को कॉमन कर देंगे ऐसा। तो ये एक पेयर जो है वो दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगा, एक पेयर के लिए सिंगल लाइन खींच के रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे अब अपन। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में अपन देखेंगे O2 का एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहले अपन सारे सिंगल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे ही F2, F2 का एग्जाम्पल में 2F लेंगे, इसका होता है 2 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों के पास 7 है, एक एक की जरूरत है। तो अब होने वाला क्या है, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कितने की, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ताकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन अचीव हो जाए। तो ये फ्लोरीन इस दूसरे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करने वाला है ना, ये देखो ये दोनों के बीच में कॉमन रीजन बना दिया, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो वो दोनों के साथ काउंट होगा, तो दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अचीव हो जाएंगे। तो एक पेयर बनेगा दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का, और वो दोनों के साथ काउंट होगा, तो इसे बोलते हैं अपन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका अगर अपन को स्ट्रक्चर बनाना है तो एफ एफ बना के एक सिंगल लाइन खींच देंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्लोरीन। ऐसे क्वेश्चन आता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, तो 2 Cl बनाने, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कहाँ से पता चलेगा अपन को, एटॉमिक नंबर याद है तो ये पता चलेगा, 30 तक आप एटॉमिक नंबर बिल्कुल अच्छे से रट लेना। तो ये 7 7 डॉट बना देंगे, 1 2 3 4, एक चाहिए इसको, 5 6 7, इसके अराउंड भी 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। अब शेयरिंग करवा देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन देखिए, मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया जिसमें उस दूसरे क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर इन्वॉल्व कर दिया। अब ये देखो एक और सर्कल बनाया इस दूसरे क्लोरीन के अराउंड, जिसमें पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व कर दिया, मतलब दोनों के बीच में कॉमन कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन हो जाए, इसे बोलते हैं शेयरिंग। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें अब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे H2O का। तो इसमें एक तो दो, दो तो H है और एक O है, तभी इसका अपन है ना जो रिपल्शन फोर्स होने के कारण कैसे बॉन्ड्स जाएंगे कहाँ जाएंगे वो वाला ना बना के एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक डॉट बना दिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक डॉट बना दिया, ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब अपन ऐसे सर्कल्स बनाएंगे जिसमें हर चीज स्टेबल हो जाए, पहले हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन के अराउंड एक सर्कल बनाया जिसमें इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन को भी स्टेबल करते हैं, इसके अराउंड भी एक सर्कल बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करा देंगे ताकि ये भी स्टेबल हो जाए। ये दोनों हाइड्रोजन की बात होगी, अब ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन के अराउंड एक सर्कल बनाएंगे जिसमें अब इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करते हुए दिखाएंगे। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि एक एच था, एक पेयर आया इलेक्ट्रॉन का, फिर एक ओ था, एक पेयर आया, फिर एक एच, काउंट करेंगे तो टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6 खुद के थे, एक 7वां हाइड्रोजन का और 8वां दूसरे हाइड्रोजन का, और हर हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो शेयरिंग दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग, जितना की जरूरत है उतना की पार्टनरशिप, दोनों जितना की जरूरत है उतना इलेक्ट्रॉन कॉमन हो जाएगा दोनों के बीच में, ये H2 का स्ट्रक्चर। ऐसे अपन बनाएंगे NH3 का स्ट्रक्चर, ये सब सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर हैं, NH3। तो अभी एक्चुअली रिपल्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ना बना के एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो N एक सेंट्रल एटम हो गया और 3H इसके राउंड लिख दीजिए, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 2 5, नाइट्रोजन के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब अपन वही एक सर्कल का रिप्रेजेंटेशन देंगे, सर्कल्स बनाएंगे जिसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए वो अपन दिखा लें। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को अपन सेटिस्फाई कर देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन, फिर ये तीसरा हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन के अराउंड अपन ने सर्कल बना दिया, तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करवा दिया। अब नाइट्रोजन की बारी, तो नाइट्रोजन के अराउंड एक सर्कल बनाने वाले हैं जिसमें सभी के साथ शेयरिंग करते हुए दिखाएंगे। देखिए ये कॉमन रीजंस बना दिए, जहां पर नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का भी एक सभी के साथ। तो इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक एन उसके साथ 3 एच, एक एन उसके साथ ये एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच, एक पेयर के लिए एक लाइन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते इन्हें क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और जो बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स उन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। तो इस तरह से अपने को ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है ये अपन को समझ में आना चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ करे जिसमें अपन ने सिंगल बॉन्ड समझा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HCl। तो ये अपने हो गए टोटल 4, और ये पांचवा एग्जाम्पल लिया। अपन एक सिक्स्थ एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें अपन HCl का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक तो H है और एक Cl है, Cl के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन। अपन को क्या पता है 7 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 17 होता है तभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 करेंगे। अब यहाँ पे शेयरिंग दिखा देंगे, पहले हाइड्रोजन को दिखा दो, ये हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर से कर लिया, ठीक है। अब क्लोरीन के दिखा देंगे, क्लोरीन में किस तरह से दिखाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसमें वो हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हुए दिखा देंगे। तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच बॉन्ड सी एल, ठीक है ना। तो ये अपने सिंगल बॉन्ड सीखा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर कॉमन हो जाए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन डबल कोवेलेंट बॉन्ड और उसके आगे के टॉपिक्स सीखेंगे। तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।